हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जो मेरी आज की व्लॉग की स्टार्टिंग होती है रात से हो रही है और इसमें कुछ मॉर्निंग का भी मिक्सअप है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आज हमारे घर के इनोग्रेशन के सामान लाए हैं और क्या क्या हम तैयारियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पार्सल मंगाया था, तो यहाँ पे मेरा आ चुका है टेबल लैम्प। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और इसको हम असेंबल करके इसको लगा देंगे पहले ही। तो मैंने ये दीदी के लिए मंगाया है अपने साइड से। तो यहाँ पे दीपक करेगा असेंबल, उसके बाद हम इसको लगाएंगे कॉर्नर पे। रख दे, अभी यहीं पे फेंक दे। ये भी हाँ खुलेगा, एक के ऊपर एक लगेगा। ये मैंने मंगाया दीदी के लिए, ये मैंने मंगाया गृह प्रवेश के लिए। ये अटकेगा कैसे? अटकेगा कैसे? अच्छा ये सबसे ऊपर आएगा ना, इतना ही आएगा है। बर्थडे गिफ्ट किसने दिया? चाहो ये पापा ने। अरे वाह, दिखाओ। देखो चाओ के लिए तो गिफ्ट आ चुका है। कितने की पड़ी चाओ ये चेन? अब पापा की ये जिया जी ने अपने लिए ली है ये चेन और ये चाहत के लिए ली है। वाओ, गुतू भी अपनी चेन पहनेगा उस दिन, है ना? वाओ चाओ, तू कब पहनेगी ये चेन? और उसके बाद कंटिन्यू पहन के रखना। देखो इसको रोना आ रहा है, पता है इसको? मैं एक इन्नी ताऊ जी के साथ कर लो, जाओ। सो गाइज, यहाँ पे चाव कर रही है अपनी बर्थडे की, प्री बर्थडे की तैयारी। तो यहाँ पे रात के बज चुके हैं 11 और चाहत को करने अपने हेयर स्ट्रेट, क्योंकि उसे कल जाना है स्कूल में तैयार होके। क्यों? अरे मैं स्ट्रेट नहीं कर रही, सिर्फ नीचे नीचे पूंछ पूंछ कर रही हूँ। अच्छा ले पकड़ उधर से। सो गाइज, मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसके हेयर स्ट्रेट और ये वाला स्ट्रेटनर ये मुझे देने वाली है, ये मासी को गिफ्ट करेगी। तो ये कल स्कूल के लिए तैयारी हो रही है स्पेशली प्री बर्थडे, और कल भी इसकी फरमाइश है कि कल मेरा प्री बर्थडे रात को भी सेलिब्रेट करना, अच्छे से डेकोर वगैरह करना। तो अभी चाहो तूने कम कर रखा है, चल क्यों? बंद कर दिया मैंने, मेरे बाल वो हो गए। तो फिर ये कैसे होंगे स्ट्रेट अच्छे से? अच्छा तो खोल दो। चाहो तूने मेरा फ़ोन टेढ़ा पकड़ा हुआ है गाइस, ऐसे तो है। चला मम्मी देख रहे हो, जब हम तेरी एज में थे हमें यह था बर्थडे रहा, हम तो दो स्कूटी दो चोटी बांध के स्कूल जाना है और उसके बाद ट्रॉफी का तो पैकेट ले जाना है। अरे इसी साल कर रही हूँ मैं अपने बाल स्ट्रेट। हमेशा तो तू कपड़े पहन के जाती है। कपड़े तो कपड़े पहन के नहीं जाना, के सब पहन के आते हो, मैं ही क्या हूँ। सिलवा के भाग गई, देखना इतनी बदतमीज है ना सच में। तेरा ये चार्जर मैं खुला रख रही हूँ। तो ये है इसके हाल, अब बच चुके हैं यहाँ पे आज तीनों बहनें इकट्ठा हुई हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा काम फैला हुआ है और 27 को यहाँ पार्टी है। तो हमें कल एनी हाउ यहाँ पे किसी भी तरीके से हमको ये सारी चीज़ें अरेंज करनी, क्योंकि जो छोटा मोटा सामान अभी सेट नहीं हुआ है वहाँ रह गया है और भगवान जी की मूर्ति नहीं आई, ये आ तो गई लेकिन और ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं अभी तक, ये सारा फैला हुआ है। ये अभी कल सब सेट करना है, सफाई करनी है तीनों की दिन में। और प्रिया भी बैठ चुकी है 30, तो मॉर्निंग पहुंच जाएगी वो 4 बजे के आसपास। तो वो चलते ही नीचे, क्या कर रही हैं सबके सब? देखो क्यों रो पी गया, तू तो सो गई थी यार, ब्लॉग मारा
नहीं यार टोपी में अच्छा लग रहा है वो। किसने बोला? कल कीर्तन में क्या पहनोगे तुम? छोड़ो आप वो बनाओ बस ऊपर का ठीक है। मेरे को तो समझ में नहीं है मेरे पास खुद टाइम टाइम है तुम्हारे कब का ले खत्म कर दिया यहाँ पे शुभांकर कर रहा है बर्तन वॉश। नहीं तो मैं आ चुकी हूँ धूप में, छत में बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं ये टेबल क्लॉथ लाई हूँ यहाँ पे। और कहाँ है दीपक तू? तो यहाँ पे हम डेकोरेशन करने लग चुके हैं क्योंकि यहाँ पे शाम से तो टेंट वगैरह लगेगा, ये कल से लगेगा, और लाइट्स वगैरह पहले दिन लगा दी थी। आज हमें फूलों से डेकोरेट करना है घर, और आज सब काम पे व्यस्त है क्योंकि उधर भी काम चल रहा है, उधर प्रिया है मम्मा के साथ, और इधर हम सब लगे शुभांकर किचन देख रहा है, और दीपक है मैं ये फूल की डेकोरेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये फूल रख चुके हैं, तो हमें ये पूरी जो ये वॉल है ना जो फ्रंट की है वो चाहिए हमें ऊपर भी था, लेकिन अगर फूल बच जाते तो यहाँ पे लगाएंगे। पहले हम फ्रंट का डेकोरेशन कंप्लीट करेंगे, फिर आगे का जितना पोर्शन है वहाँ पे धुलाई करनी है। पर्दे भी आज ही लग रहे हैं, पर्दे बोले तो कब से थे लेकिन धीरे धीरे करके आज मतलब लग ही जाएंगे पर्दे। और क्योंकि कल सुबह से यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कल चाहत का बर्थडे है, और चाहत के बर्थडे के लिए ही, और कल लोग चाहत गई थी अपने लिए, मतलब नानू की तरफ से उसे गिफ्ट मिला है। क्या गिफ्ट मिला है वो जब आ जाएगा मैं तभी यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है, कल दीदी ने भी बहुत सारी शॉपिंग करी, और क्या कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे मतलब बहुत सारी एक्साइटमेंट है। और कल हम सब लोग यहाँ पे साथ में मिलके थे, अभी नाश्ता हो चुके हैं, आज बहुत सारा काम है, सबको काम डिस्ट्रीब्यूट किया है। दुकान तन्नु देख रही है, अभी जो शॉप है वो तन्नु देख रही है, बाकी हम यहाँ पे घर का काम कर रहे हैं। तो चलो आइए बताती हूँ आपको, साइड देखो हमारे पहाड़ यहाँ से कितने, कहाँ है तू दीपक? अबे तू वहाँ है, मुझे तो लगा तू यहाँ है, कहाँ से आऊँ मैं? देखना कितनी जलन हो रही है इसे। अच्छा ये सीढ़ी दे रखी, मैं तो भूल ही गई ऊपर भी एक कमरा है। ओ माय गॉड, यहाँ कैसे टूटेगा धागा? सो गाइस ये हमारा तीसरा छत, और यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल है। इधर चारों साइड आपको पहाड़ नज़र आएंगे, और यहाँ पे दीपक को मुझे बहुत खुशी हो रही है देखते हुए क्योंकि ये कभी काम नहीं करता और फर्स्ट टाइम यहाँ पे काम कर रहा है जब से यहाँ आया है तब से। अच्छा ये घर रखा है इन्होंने, और ऐसे में फूल लगाने हैं क्या? दीपक काम नहीं करता तो इतनी मोटी होती। अब तू इतना मोटा होता कि मैं तुझे खिलाती नहीं, जो तू झूठ कहता है तू मुझे खिलाती नहीं है, हैं? सो गाइज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये सारे फ्लावर्स फ्रंट पे लगाने हैं हमें, और ये रहा नीचे, तो एटलीस्ट हम एक दो फ्लावर को जोड़ के इसका एक स्ट्रिंग बना रहे हैं इसका। लड़ी में उलझ जाएंगी बोलना सारी। नहीं तो थोड़ा गैप करके बनाएगा ना, कितना गैप नीचे तक जाने दे। और यार बहुत ज़्यादा धूप है भी नहीं, कल परसों पे बहुत चटक वाली धूप थी, तो अभी मैं छत पे आ रही तो मैं इसको देख रही हूँ ये कैसा क्या कर रहा है। तो मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ, दीदी अपना सेकंड फ्लोर वाला क्लियर कर रही है, वहाँ पे सामान रख रही है, जिया जी फर्स्ट फ्लोर में देख रहे हैं पर्दे वगैरह का, और वो अपना किचन कर रहा है शुभांकर, आज पूरा क्लीन करेगा, बहुत अच्छी सफाई करता हूँ। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 12:30, सब लोग काम करके फ्री हुए हैं,
सो गाइस, दिन के बच्चों के 12:30, काम फिनिश हो चुका है, थोड़ा बहुत है वो धीरे धीरे होता रहेगा। और जहाँ दीदी पहले रहती थी वहाँ पे सामान बहुत था, जियो जी दीपक एंड शुभांकर वहाँ गए थे और जस्ट आए हैं, वो फूड खा रहे हैं। मुझे नींद आ चुकी थी क्योंकि मैं सुबह बिल्कुल नहीं सोई थी। इस बाहर भी पूरे फ्लास्क लग चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दीपक ने लगाए थे लेकिन कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई, इसे दोबारा से रीसेट करनी है। अभी बहुत धूप है इस वजह से, उसने कहा मैं बाद में करूँगा। ये येलो फ्लावर्स अब एक साइड लगा दिए और जो ऑरेंज बचे थे वो एक साइड कर दिए। तो अभी हमको क्या करना है, थोड़े से नीचे से लगाने, ऑरेंज वाले को बीच में करेंगे या ऑरेंज को दो येलो के बीच में एक ऑरेंज डालेंगे, ऑरेंज को बीच में करेंगे और येलो इधर और उधर येलो, और बाकी बाहर है मैं बाहर से दिखाऊंगी। तो ये दीपक ने फिट कर दिया है, लाइट्स हमने पहले लगा दी थी, ये कपड़े धुल ये कपड़े धुले हुए यहाँ पे डाले हुए हैं, और ये शुभांकर ने बिल्कुल यहाँ पे पूरी सफाई करी है यहाँ पे भी, और सिब्बा यहाँ पे लेटा हुआ है हमारा। तो कल यहाँ पे होंगे कीर्तन, तो ये पुराने घर से जो और सामान बचा हुआ था वो सारा यहाँ पे आ चुका है, सेट कर चुका है। और यहाँ पे ये कार पार्किंग वाली जगह है, तो कल यहाँ पे कीर्तन होंगे। और मुझे ये गेट का पता नहीं चल रहा कैसे खुलेगा। चाओ बलून चाहिए, तेरी मम्मी कहती तुझे रिबिन भी चाहिए। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं कहाँ, चाओ टूटी हुई है, अब हम जा रहे हैं सामान लेने। हमें क्या क्या लेना है, दीदी ने आज मुझे पूरा पर्स दिया है, फुल खर्चा करके आऊंगी आज मैं। चाओ चले, देखो मैं स्कूटी चला लेती हूँ। और अभी चाहोगा तो सबसे बड़ा गिफ्ट आने वाला है, वो हम कल बताएंगे। बिल्कुल आओ। सो गाइज, यहाँ पे हमारी आधी तैयारी हो चुकी है, फ्लास्क वगैरह लग चुके हैं। चाओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। देख लो, चाओ के बर्थडे के दिन ही हम वो करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। देखो गाइस, बिल्कुल नहीं डरता, बहुत खतरनाक है ये बिल्ला। रात को मौसी तक गंदा डरी इसने। ये था वो? हाँ। अच्छा। और एक इसकी वो है वाइफ, पूरी काली है वो। तो सो गाइज, हम आ चुके हैं चाहत क्लिक की ऑर्डर करवाने, कोई है? सो गाइज, ये दीपक का बैग पैक हो चुका है, तो ये जा रहा है आज क्योंकि चाओ का मिड बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। और कल वहाँ हम बहुत बिजी रहेंगे, तो हम अपना सामान अभी ले जा रहे हैं। दीपक का मैं सारा ले गई हूँ क्योंकि वो कुछ छोड़ के गया था। दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा क्योंकि केक रह गया, मम्मा का सामान रह गया, स्टेशन मतलब वैसा तैयार वगैरह होने का, और मेरा भी रह गया। अब ये चीज़ है कि हमें 27 को पूरे रात को पार्टी करनी है, 28 को दीपक और मुझे निकलना है घूमने के लिए। और अब ये डिसाइड नहीं हुआ कि कैसे जाना है क्योंकि बाइक वगैरह तो हमारी हुई नहीं है। उसमें क्या बना रही है? इसमें दीदी का पैर दर्द हो रहा है। ओहो। और इसमें? और इसमें पनीर एंड मटर ना, पता चल गया था। और ये बर्तन किसने धोए? सारे नए बर्तन है। और ये सारा सामान हम ले आए। मम्मी भाई हलवा में बहुत टेस्टी बना हो रहा है, टाइम 10:30 के आसपास, और यहाँ पे लग रहे हैं पर्दे क्योंकि कल हमारा इनॉग्रेशन, तो आज सब रात को ड्यूटी से जगे हुए। चलो लगे हुए हैं काम पे, आज हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो रात के 10:30 हो रहे हैं और सबके सब काम पे लग रहे हैं। जिया जी एंड दीपक लगा रहे हैं पर्दे और प्रिया कर रही किचन साफ, और तन्नु जो फैला हुआ सामान उसको समेट रही है, और मैं लगा रही हूँ मंदिर क्योंकि मंदिर हमने तैयार नहीं करी है। ले आई हूँ मैं कील एंड ये यहाँ पे स्ट्रिंग्स, बेल स्ट्रिंग्स, ऐसे बो बना के चिपका रही है। पे है आज चाहत का बर्थडे, तो हम मिड नाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बलून फुला रही हूँ और दीदी वहाँ पे उसका रूम डेकोर कर रही है। दीपक बहुत ही ज़्यादा बिजी हुए हैं और दीपक इधर है। यहाँ पे लगा लिया है ये मनी प्लांट, आर्टिफिशियल स्लीव है ये, और टाइम हो रहा है 11:30, रात के 11:30 हो रहे हैं,
और अब रह गया है उस वाली वॉल पे, वो मुझे लगानी है। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि इधर बहुत घना जंगल है। तो केक खाने के लिए खुश है। Behind the scenes.